बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी और अच्छी खबर के साथ। रेस्टोरेंट में खाना खाना सस्ता हो सकता है। जी हाँ, रेस्टोरेंट में खाना अगर खाने जाते हैं तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। खाना खाना सस्ता हो सकता है क्योंकि जीएसटी पर गठित जीओएम आज इस पर चर्चा करने जा रही है। पैनल एसी रेस्टोरेंट में जीएसटी रेट को 18% से घटाकर 12% कर सकता है। इस पैनल की अध्यक्षता आपको बता दें कि हेमंत बिस्व शर्मा कर रहे हैं। ये बैठक 11 बजे से शुरू होगी। तो रेस्टोरेंट में खाना खाना आपके लिए सस्ता हो सकता है क्योंकि जीएसटी की रेट जो है वो कम हो सकती है। हमारे संवाददाता आलोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के लिए। आलोक, क्या कितने बजे बैठक शुरू होगी, क्या इसमें चर्चा के मुद्दे और रह सकते हैं और ग्राहकों के लिए अच्छी खबर कब तक आ सकती है? देखिए, इस बैठक में आज जो होने वाली है, हेमंत बिस्व शर्मा आसाम के एसएम है, उनकी अध्यक्षता में, उसमें इस बात को लेकर चर्चा होगी और इस बात पर अंतिम मोहर लगाने की कोशिश की जाएगी कि रेस्टोरेंट एसी रेस्टोरेंट जिन पर अभी 18% लगता है रेट, उसको कितना कम किया जा सकता है। हालांकि जो हमें जानकारी मिली है, सरकार वित्त मंत्रालय इस पर सहमत है कि उसको 12% किया जा सकता है, लेकिन उनको विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि जो भी रेस्टोरेंट इस दायरे में आएंगे, 12% जीएसटी के दायरे में आएंगे, उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं मिलेगा। तो इस शर्त पर सभी रेस्टोरेंट एसी रेस्टोरेंट को 18% जो मौजूदा रेट है उससे घटाकर 12% पर लाया जाने की आज ये जीओएम जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है वो सिफारिश कर सकती है। लेकिन इसका जो अंतिम फैसला होगा वो जीएसटी काउंसिल की बैठक में, जब 10 नवंबर को बैठक होगी गुवाहाटी में, वहां पर इस मुद्दे पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। लेकिन अगर ये आज जो जीओएम है अगर इस मुद्दे को लेकर रिकमेंड कर देता है तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी को और जो लोग रेस्टोरेंट जाने वाले लोग हैं उनको जरूर इस चीज का फायदा होगा, क्योंकि अभी जो 18% जीएसटी लगता था रेस्टोरेंट में, एसी रेस्टोरेंट में खाने पर, उसकी जगह उन्हें 12% ही सिर्फ देना पड़ेगा। तो ये काफी राहत की बात आने वाले दिनों में रेस्टोरेंट में जाने वाले लोगों के लिए हो सकती है। आलोक, कितनी राहत की बात होगी क्योंकि जैसा अभी आप बता रहे हैं कि 18% से घटकर जीएसटी जो है वो 12% हो सकती है, लेकिन इस दायरे में जो रेस्टोरेंट आएंगे उनको इनपुट क्रेडिट का फायदा नहीं मिलेगा, तो क्या ये राहत रहेगा ग्राहकों के लिए या फिर रेस्टोरेंट मालिकों के लिए थोड़ी सी मुसीबत बढ़ सकती है? देखिए, सरकार ने कोशिश यही की थी कि जितने भी रेस्टोरेंट हैं अगर 18% के दायरे में रहते हैं तो उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिले, लेकिन ये बात वित्त मंत्रालय के एक तरह से कहें जांच में आई बात कि होटल रेस्टोरेंट जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा ग्राहकों को पास ऑन नहीं कर रहे हैं। यानी जिन चीजों पर उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है उसका आगे वो पास ऑन ग्राहकों को नहीं कर सकते हैं। अगर वो पास ऑन करते तो जो इफेक्टिव जीएसटी रेट होता वो जरूर 10-12% के आसपास होता, लेकिन रेस्टोरेंट मालिक इसका फायदा ग्राहकों को नहीं दे रहे थे और इसी वजह से अब सरकार ने इस बात को लेकर फाइनल किया या मन बनाया कि जब रेस्टोरेंट ऑनर्स जो है वो ग्राहकों को फायदा नहीं दे रहे हैं तो सीधे तौर पर ग्राहक को फायदा देने के लिए 18% से सीधे रेट घटाकर 12% कर दिया जाए, ताकि सीधे सीधे 6% का फायदा सीधे सीधे ग्राहकों को मिले और भले ही रेस्टोरेंट ऑनर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा मिले या ना मिले, क्योंकि सरकार इस बात को लेकर बहुत गंभीर है कि आम आदमी को जीएसटी लागू होने का फायदा मिलना चाहिए, चाहे उसमें कैसे भी करना पड़े, क्योंकि रेस्टोरेंट मालिक से उम्मीद की जा रही थी कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा ग्राहकों को देंगे, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। अभी तक ऐसी बात इंस्टेंसेस सामने आई नहीं है, इसीलिए सरकार ने ये फैसला करने का मन बनाया है कि उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा ना दिया जाए, सीधे ग्राहकों को ही 6% का फायदा रेस्टोरेंट में जाने से मिल जाए। आलोक, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी, आपने बताया कि एसी रेस्टोरेंट के ऊपर जो है वो चर्चा हो सकती है, क्या इसमें दूसरे रेस्टोरेंट के बारे में भी चर्चा हो सकती है नॉन एसी? देखिए, नॉन एसी पे अभी भी 12% ही है जी, तो उस पर कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। जहां तक एसी रेस्टोरेंट या 5-स्टार होटल के अंदर जो एसी रेस्टोरेंट है उन पर जो लगता था रेट, उनमें कमी आ सकती है। तो जाहिर सी बात है कि 5-स्टार होटल वालों की भी अपनी एक समस्या थी, वो बार बार इस बात की शिकायत कर रहे थे कि होटल में लोग खाना जो 5-स्टार होटल में आते हैं वो होटल के अंदर खाना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सीधे 28% जीएसटी देना पड़ रहा है। इसकी वजह से ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं वहां पर भी फायदा मिल राहत देने की कोशिश की जाए, और साथ ही साथ जो तमाम जितने भी रेस्टोरेंट हैं कंपोजिशन स्कीम को छोड़कर, जो कंपोजिशन स्कीम में आ गए हैं 1 करोड़ से नीचे वाले, उनको तो सीधे तौर पर 5% लगता है जीएसटी, लेकिन जो कंपोजिशन स्कीम में नहीं है
उनको सीधे तौर पर जितने भी एसी या नॉन एसी तमाम जितने भी रेस्टोरेंट हैं उनको सिर्फ 12% ही जीएसटी देनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, 12% जो है जीएसटी देनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो रेस्टोरों में अगर आप खाना खाते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है कि शायद आपके लिए रेस्टोरों में खाना खाना सस्ता हो सकता है, क्योंकि जीएसटी की दर जो अभी 18% है वो एसी रेस्टोरों के लिए 12% हो सकती है।